खबर आ रही है मुरादाबाद से, जहां मुरादाबाद के बेलारी में प्रदेश लेवल की व्यापार मंडल की बैठक का आयोजन किया गया है। दरअसल मुरादाबाद के बेलारी में पिछले काफी समय से व्यापार मंडल को लेकर उतार चढ़ाव चल रहा था, जिस वजह से बेलारी व्यापार संगठन में मजबूती से किसी जगह पर खड़ा नहीं हो पा रहा था। उसी को देखते हुए बेलारी नगर के सभी व्यापारी अपने व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष से अपनी समस्याएं बताई, जिसको देखते हुए व्यापार मंडल प्रदेश अध्यक्ष ने व्यापारियों की शिकायत को ध्यान में रखते हुए इस समस्या का समाधान किया। आज के दिन व्यापार मंडल प्रदेश अध्यक्ष एवं प्रदेश उपाध्यक्ष की मौजूदगी में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के व्यापार मंडल से जुड़े सभी पद अधिकारियों की मौजूदगी में बेलारी नगर में नए व्यापार मंडल का गठन किया गया है। आइए दिखाते हैं आपको हमारे संवाददाता विशाल कुमार की रिपोर्ट। हमारे संरक्षक, हमारे नगर के चेयरमैन श्री रघुराज यादव जी, हमारे संरक्षक बड़े भाई अनिल को लेकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया है, आप सबका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। जिस तरह से आपने कीमती समय निकालकर हम लोगों की हौसलों की जाते थे और सम्मान करता था मैं तुम्हें सबको, क्योंकि हमारे केके गुप्ता जी जो कि हमारे नगर के हैं, पहले हमारे मंडल के थे और मेरे तो छोटे भाई हैं और वाकई में व्यापारी ने लगातार इनका लगा रखा है, मैं आपको भी धन्यवाद बधाई। बाद जब कोई संगठन बिखड़ जाता है तब लोग, सरकार और कर्मचारी उनके खिलाफ हो जाते हैं और व्यापारी अकेला पड़ के कुछ भी नहीं कर पाता। पश्चिमी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल एक हमारा ऐसा संगठन है जो सारे व्यापारियों को एक मंच के नीचे लेके आया है। बेलारी में बहुत टाइम से एक ऐसे व्यापार मंडल की ज़रूरत थी जो सारे व्यापारियों का साथ दे, सबकी समस्याओं को समझे और उन समस्याओं को हल करने के लिए सबको इकट्ठा करके, चाहे वो हमें अधिकारी से लड़ना पड़े, चाहे हमें सरकार से लड़ना पड़े, चाहे हमें किसी भी जगह जाना पड़े, सरकार व्यापारियों के हित के लिए ही बनी है। लेकिन कुछ हित जो सरकार व्यापारियों को देना चाहती है, कुछ लोगों की वजह से, सरकारी अधिकारी हों या कोई भी समाज में गलत तत्व जो व्यापारी का उत्पीड़न करना चाहता है, हम उसके खिलाफ़ हैं। हम बढ़ चढ़ के एक होके इन सब का सामना करेंगे और आपसे सबसे वादा करता हूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल ने जो मुझ पर विश्वास जताया है, पिछले 5 साल से मैं नगर की युवा टीम का अध्यक्ष था, अब उन्होंने मेरे कार्यों को देखते हुए मुझे जिले में युवा अध्यक्ष के रूप में चुना है और मैं वादा करता हूं, सबको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि बढ़ चढ़ के सब व्यापारियों को मैं एकत्रित करूँगा। मैं कहूँगा कि व्यापारी सम्मेलन में मैं आज आया था, हमारी सरकार केंद्र की हो चाहे प्रदेश की हो, व्यापारियों के हित में हर समय तैयार रहती है, व्यापारियों के लिए खड़ी है, बिल्कुल हर उनके सुख सुविधा के लिए, उनके लिए कठिन कोई भी काम हो उसके लिए व्यापारियों के लिए हित में हर समय काम करती है केंद्र गवर्नमेंट और प्रदेश सरकार। आज व्यापारियों की बैठक हुई और आपको कैसा लगा और आपने आपकी तरफ से संदेश हुआ? मैं भी व्यापारी हूँ, व्यापारियों इस ये व्यापार संघ का मैं शुरू में बहुत काम किया मैंने, तो मुझे बुलाया व्यापारियों के नाते, तुम आया और सबसे मैंने निवेदन किया कि इस बार मोदी सरकार को बनानी है और 400 पार करनी है। सभी पदाधिकारियों को नए नए पद सौंपे गए जिसमें प्रदेश उपाध्यक्ष के गुप्ता जी और शर्मा जी को हमने प्रदेश मंत्री बनाया है और जो और बहुत सारे पदाधिकारी नए बनाए गए हैं, मैं उन सबको बधाई देना चाहता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि जो व्यापारियों का उत्पीड़न है वो यहाँ पर बंद होगा बेलारी में और व्यापारी मिलजुल कर कार्य करेंगे, संगठन को बढ़ावा देंगे और संगठन निश्चित तौर से व्यापारियों को मदद की कामना करता है और जो थोड़ी बहुत मांगे हैं हमारी उसमें हम लोगों ने बड़ी चर्चा की है, जिसमें बांटवा पर जो मोहर लगती है वो 5 साल के लिए होनी चाहिए, GST का मिसमैच जो 17-18 से जो परेशानी व्यापारी को झेलनी पड़ रही है उसका उत्पीड़न बंद हो और व्यावसायिक घरेलू और